क्या करने आ रहे हो हॉस्टल में बताओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हेलो, माय नेम इज अंजलि सबरवाल एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर इन 2024। इस वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत सारी क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ जो आपने हॉस्टल के रिगार्डिंग मुझसे पूछे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर आपको कैसे रहना चाहिए, कितनी फीस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, हॉस्टल के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिसका वन बाय वन हम इस वीडियो के अंदर आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा कि हॉस्टल का फॉर्म जो है एडमिशन होने से पहले फिल करते हैं या फिर बाद में करते हैं। सो आपने अगर आपकी एडमिशन हो चुकी है देन आप उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 जुलाई से लेकर न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको फुल फ्लेज वीडियो बना के दे दूँगी इसके बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर लॉन्ड्री है क्या या नहीं। सो यहाँ पे लॉन्ड्री नहीं है, आपको कपड़े वगैरह सारा कुछ खुद ही धोने पड़ते हैं। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आके आपके लिए कपड़े नहीं धोने वाला है, सो खुद ही धोने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हॉस्टल फीस कितनी है ईयर की। सो आपकी साल की फीस जो लगती है 26,000 लगती है, जिसमें से 6,000 आपकी सिक्योरिटी फीस होती है जो कि आपको बाद में रिफंडेबल होती है। यानी कि एक साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको उसके बाद जो 6,000 आपने दिया होता है वो आपको वापस मिल जाता है। स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको 2 फॉर्म फिल होते हैं। पहला एक मैथ्स की सिक्योरिटी फीस जो कि 6,000 रुपीज़ होता है, एंड सेकेंड वाला जो है वो आपका हॉस्टल की फीस है जो कि 20,000 होती है, 19,500 समथिंग होती है इतनी फीस, अप्रॉक्सीमेटली 20,000। तो वो आपको सारी की सारी फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको हॉस्टल अलाउड होता है एंड उसके बाद आप हॉस्टल में जाते हो, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंगल रूम मिल सकता है क्या नहीं। सो सिंगल रूम आपको अवेलेबल हो जाता है, बट उसके लिए आपको 1,100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं हॉस्टल में आके। वो आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हो, वो आपको ऑफलाइन पे करने पड़ते हैं कैश के रूप में। इसके अलावा कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि डिस्टेंस कम है हमारा यूनिवर्सिटी से, यानी कि अमृतसर के ही रहने वाले हैं, 5 to 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो क्या हमें हॉस्टल मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको मिल जाएगा अगर आप पहले फॉर्म फिल करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे अभी स्टार्टिंग हो चुकी है फॉर्म फिल करने की, आज 6 जुलाई है, तो अगर आप आज से ही फॉर्म फिल कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा हॉस्टल। बट लास्ट में अगर आप बोलो तो वो आपको अब बाद में नहीं मिलता, जुलाई तक, जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में नहीं मिलता। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं तो उनको प्रेफरेंस पहले मिलती है, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अभी के अभी ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है हॉस्टल फॉर्म फिल करने के बाद कैसे पता चलेगा कि हॉस्टल रूम अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। देखो, हॉस्टल का जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद एक लिस्ट आती है, अप्रूवल लिस्ट, जिसमें आपका अगर नाम आ जाता है तो आपको हॉस्टल का रूम मिल जाता है। अगर आपका नाम नहीं आता तो आपको हॉस्टल का रूम नहीं मिलता। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पहले फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका 110% नाम आ जाता है उसमें, ठीक है। तो वो आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो हॉस्टल की, वहाँ पर जाके आप अपने लिस्ट में नाम देख सकते हो। अगर आया होगा तो चले जाना, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आया होगा तो फिर वार्डन मैम से बात कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा अब बस इतने ही क्वेश्चन हैं। सो इन सब के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।